हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी नाच ग घुमा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाली रानी से, जो एक बैंक में जॉब करती है और अपने जॉब की वजह से वो घर के कामों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए रानी ने आशाताई नाम की एक मेड रखी है जो 2 सालों से रानी के घर में काम करती है। आज जब रानी सुबह सुबह उठती है तो वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी साइली को भी उठाने लगती है। एक्चुअली आनंद एक सिविल इंजीनियर है तो वही साइली स्कूल में पढ़ती है। तभी रानी देखती है कि 8 बज गए थे और आशा तई अब तक नहीं आई थी। एक्चुअली आशा का 7:30 बजे का टाइम था, लेकिन वो हमेशा लेट होती थी, जिसकी वजह से रानी हमेशा उन पर गुस्सा करती थी। आज भी आशा तई लेट आती है और रानी को बताने लगती है कि उसे बस नहीं मिली। लेकिन ये सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और आशा से कहने लगती है कि ये उसके रोज के रीजंस हैं, जिसके बाद आशा अपने काम में लग जाती है। तो वही रानी की योगा टीचर वहां पर आ गई थी, लेकिन रानी का ध्यान योगा करने से ज्यादा आशा के काम पर था कि आशा ने सब्जी में कितना तेल डाला, कौन सी सब्जी खत्म हो चुकी है और आशा उसे लेकर आई या नहीं। इसी बात पर रानी उसे बातें सुनाने लगती है, जिसके बाद आशा उसे समझाती है कि वो सारे काम ठीक से कर लेगी। लेकिन रानी को एक योगा पोजीशन करनी थी जिसमें एक पार्टनर की जरूरत थी, इसलिए वो आशा को बुलाती है और उसके साथ योगा करने लगती है। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि रानी जिस बैंक में काम करती है वहाँ पर एक योगा कंपटीशन होने वाला था और इसीलिए रानी योगा की तैयारी कर रही थी। जिसके बाद हम रानी को देखते हैं जो ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। एक्चुअली आशा रानी के यहाँ 12 घंटों के लिए काम करती है, क्योंकि रानी और आनंद दोनों ही अपने जॉब में बिजी होते हैं, इसलिए दिन भर आशा ही साइली का ध्यान रखती थी। वो साइली का ध्यान काफी अच्छे से रखती थी, इसलिए रानी आशा को काम से निकाल नहीं सकती थी। जब रानी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो रानी को अपनी बहू की कंप्लेंट्स करने लगती है। रानी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ काफी इमोशनल हो गई थी। रानी उसे कहती है कि वो कुछ टाइम बाद कॉल करेगी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि कुछ टाइम बाद उसका सीरियल शुरू होगा, इसलिए वो तब रानी के साथ बात नहीं कर सकती। अब रानी उनकी बातें सुनते हुए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बैंक के लिए निकलती है। आनंद उसे रास्ते में छोड़ने वाला था, लेकिन तभी रानी को याद आता है कि वो अपना पर्स घर में ही भूल गई थी। इसलिए रानी आशाताई को कॉल करने लगती है, लेकिन आशाताई का कॉल बिजी जा रहा था। इसलिए रानी वापस ऊपर जाती है तो देखती है कि आशाताई कॉल पर बिजी थी। ये देख कर रानी को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो आशाताई को बातें सुनाने लगती है। रानी सुबह का गुस्सा भी निकालने लगती है कि आशाताई ने आलू खत्म हो गए थे फिर भी उन्हें नहीं लाया था। अब ये सुनने पर आशाताई कहती है कि वो भी तो भूल सकती है, जैसे रानी अपना पर्स लेना भूल गई थी वैसे ही आशाताई आलू लाना भूल गई। अब ये सुनने पर रानी को गुस्सा आता है कि आशाताई उसे बातें सुना रही थी, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाती है और आशाताई को काम से निकाल देती है। उनसे कहती है कि वो वापस कभी भी उसके पास ना आए। जिसके बाद रानी ये बात आनंद को बताती है तो आनंद भी काफी परेशान हो जाता है। वो रानी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे आशाताई को काम से नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन रानी अब फैसला कर चुकी थी। जिसके बाद रानी अपने बैंक पहुंचती है जहां पर वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए रानी का बॉस उसके ऊपर गुस्सा करता है। साथ ही रानी काफी परेशान थी क्योंकि उसने आशा को तो काम से निकाल दिया था, लेकिन कल से उसे ही सारे काम करने थे। इसलिए रानी अपनी कलीग कल्याणी से भी कहती है कि वो उसके लिए मेड ढूंढे। साथ ही रानी काफी सारी एजेंसी से भी कॉन्टेक्ट कर रही थी ताकि उसे अच्छी काम वाली बाई मिल जाए। अब रानी को कई सारी काम वाली मिल जाती है, लेकिन कोई भी रानी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन्हें निकाल देती है। अब सारा काम रानी और आनंद को करना पड़ रहा था, इसलिए वो एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे थे। तो वही हम आशा को देखते हैं जो भी अपने लिए काम ढूंढ रही थी। एक्चुअली आशा को भी 12 घंटे का काम चाहिए था, लेकिन उसे वैसा काम नहीं मिल रहा था। उसे जो भी काम मिलता वो 1 या 2 घंटे का होता, जिसके बाद उसे दूसरे काम पर जाना पड़ता और ये सब आशा से नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी अपने लिए काम ढूंढ रही थी। तो वही रानी भी काम वाली बाई ढूंढकर थक गई थी, उसे ये सब नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड कल्याणी से कहती है कि वो आशाताई को कांटेक्ट करें और उनसे कहे कि वो एक बार रानी से बात करें, रानी उन्हें काम पर रख लेगी। जिसके बाद कल्याणी वैसा ही करती है और आशा को कॉल करती है। आशा को भी रानी के यहाँ ही काम करना था, इसलिए वो रानी को कॉल करने के लिए मान जाती है। जब आशा रानी को कॉल करती है तो रानी उससे कहती है कि वो आशा को एक और मौका देगी और वो चाहती है कि इस बार आशा टाइम पर आए और अपने सारे काम ठीक से करें। अब ये सुनकर आशा भी खुश हो जाती है और फिर से रानी के घर में काम शुरू कर देती है।
अब आशा के वापस आने से सब कुछ ठीक से चल रहा था, सारे काम ठीक से हो रहे थे, इसलिए रानी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन जब रानी बैंक से घर आती है तो उसे पता चलता है कि सामने वाले घर में चोरी हो गई थी और पुलिस पूछताछ करने के लिए आशा ताई को भी लेकर गई थी। अब ये सुनने पर रानी को काफी गुस्सा आता है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को बातें सुनाने लगती है कि उसे आशा पर पूरा ट्रस्ट है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुन रहा था तो रानी उसे बताती है कि वो कितना आशा ताई पर डिपेंड है। अगर आशा ताई को यहाँ पर काफी देर हो गई तो रानी के घर का काम कौन करेगा। अब ये सब सुनने पर वो ऑफिसर भी इमोशनल हो जाता है और आशा ताई को छोड़ देता है। तो वही आशा भी काफी शॉक थी कि रानी पर उसे इतना भरोसा है, इसलिए आशा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन जब रानी बैंक से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि साइली को बहुत बुखार आया था, लेकिन आशा ताई ने उसे दवाई देकर सुला दिया था। इसलिए रानी आशा ताई से कहती है, रानी आशा ताई को बताती है कि कल उसका योगा का कॉम्पिटिशन है, इसलिए रानी को कल जल्दी जाना था, इसलिए वो आशा ताई को पैसे देती है ताकि कल आशा रिक्शा से जल्दी आ जाए। अगर आशा यहाँ पर आ गई तो रानी को साइली की ज्यादा चिंता नहीं होगी। एक्चुअली कल आनंद की भी काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो भी 8 बजे ऑफिस जाने वाला था। अब दूसरे दिन रानी तैयार होकर अपने योगा कॉम्पिटिशन के लिए निकलती है, तभी उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आशा ताई बिल्डिंग में एंटर कर चुकी है। ये देखकर रानी काफी रिलैक्स हो गई थी, जिसके बाद वो अपना पूरा फोकस कॉम्पिटिशन पर लगा देती है और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ये देखकर रानी काफी खुश थी कि तभी उसे आनंद के दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि आनंद और साइली का एक्सीडेंट हो चुका है। अब ये सुनकर रानी काफी डर जाती है और हॉस्पिटल आती है तो आनंद बताता है कि आज आशा ताई घर पर आई नहीं, जिसकी वजह से आनंद साइली को लेकर ही ऑफिस जा रहा था, लेकिन वो गाड़ी काफी तेज चला रहा था इसलिए उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनकर रानी आशा ताई पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत अपने घर आती है तो आशा ताई वहां पर काम कर रही थी। रानी आशा ताई पर इसलिए भी गुस्सा थी क्योंकि आशा ताई ने उसे झूठ बोला था कि वो घर पर आ गई है, जिसके बाद रानी आशा ताई को अपने घर से बाहर निकाल देती है और उनसे कहती है कि आज उनकी वजह से आनंद और सैली का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो आज के बाद कभी भी आशा ताई का मुंह नहीं देखेगी और उनसे कहती है कि वो वापस कभी भी उसके पास ना आए, जिसके बाद आशा ताई भी काफी हर्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो वही रानी अब फिर से वही प्रॉब्लम में फंस गई थी क्योंकि अब फिर से उसके पास कोई भी मेड नहीं थी और सारा काम उसे खुद से करना पड़ रहा था, जिसके बाद रानी एक के बाद एक मेड ढूंढने लगती है लेकिन उसे एक भी अच्छी मेड नहीं मिलती। अब एक दिन रानी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी थी, जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि साइली के टीचर के काफी ज्यादा मिस कॉल्स आ गए थे। एक्चुअली उस दिन साइली का स्कूल जल्दी छूटा था और रानी उसे लेना भूल गई थी। जब रानी साइली के टीचर को कॉल बैक करती है तो टीचर बताती है कि उसने रानी को कई बार कॉल किया लेकिन रानी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो वही आनंद का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए टीचर ने उनकी मेड आशा को कॉल किया और वो आकर साइली को लेकर चली गई। अब ये सुनने पर रानी काफी डर जाती है और आनंद को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि वो तुरंत घर पर आ जाए क्योंकि रानी को लग रहा था कि रानी ने आशा को काम से निकाला था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए आशा साइली के साथ कुछ गलत करेगी। इसलिए रानी काफी डर जाती है और अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि आशा बिल्डिंग के नीचे ही साइली के साथ खड़ी थी। ये देखकर रानी को काफी बुरा लगता है कि उसने आशा के बारे में इतना कुछ बुरा सोचा था, जिसके बाद रानी साइली को लेकर घर जाती है लेकिन वो आशा से कुछ भी बात नहीं करती। लेकिन रानी काम वाली ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसे आनंद का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो जल्दी से घर आ जाए क्योंकि उन्हें दो दो औरतें मिल गई थी। अब ये सुनकर रानी काफी खुश होती है और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि वहां पर उसकी माँ और उसकी सास आई थी और दोनों मिलकर रानी को टोंट मारने लगते हैं। एक्चुअली रानी की माँ भी हमेशा रानी को टोंट मारा करती थी कि वो अपना काम ठीक से नहीं करती। अब सास और माँ के आने की वजह से रानी और आनंद दोनों ही काफी टेंशन में आ गए थे क्योंकि वो दोनों ही उन दोनों को काफी ज्यादा परेशान करती थी, जिसकी वजह से रानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे क्या। जब अगले दिन रानी अपने ऑफिस जाती है तो वो कल्याणी के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी कल्याणी का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। अब ये देखकर रानी काफी टेंशन में आ जाती है क्योंकि 2 दिन बाद योगा का फाइनल कॉम्पिटिशन था और अब कल्याणी रानी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। इस बात से रानी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। एक्चुअली रानी को बचपन से ही योगा का बहुत ज्यादा शौक था, वो उसमें ही करियर करना चाहती थी लेकिन उसकी माँ ने कहा कि योगा में करियर नहीं हो सकता और रानी भी उनकी बात मान गई। लेकिन इतने सालों बाद जब रानी को योगा करने का मौका मिला तो
तो ये सब हो गया, इसलिए रानी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जब रानी घर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये देखकर उसकी सास और उसकी माँ उसे सहारा देने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि औरतों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जल्दी जल्दी में शादी करवाई जाती है, जिसके बाद बच्चे, और फिर एक औरत अपने परिवार में ही अपनी सारी खुशियाँ ढूंढ लेती है और अपने सपनों को भूल जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद जब कोई औरत अपने सपने पूरे करने की कोशिश करती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए वो रानी से कहती है कि वो हिम्मत ना हारे और अपना सपना पूरा करने की कोशिश करे। तभी रानी को उसके कली का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि रानी के साथ कोई और पार्टनर भी चल सकती है। अब ये सुनने पर रानी को याद आता है कि वो आशा के साथ बहुत अच्छा योगा करती थी, इसलिए रानी फैसला करती है कि वो आशा को ही अपना पार्टनर बनाएगी। लेकिन अब सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि वो आशा को कन्विंस कैसे करेगी। इसलिए रानी फिर से अपनी कली कल्याणी से कहती है कि वो आशा को कॉल करे और फिर से उसे कहे कि वो रानी को कॉल करे। जब कल्याणी वैसा करती है तो आशा रानी को कॉल करने से मना कर देती है। साथ ही वो बताती है कि उसने नया काम शुरू किया है, इसलिए अब वो वापस रानी के पास नहीं आ सकती। अब ये सुनने पर रानी काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि वो क्या करेगी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद आशा के घर जाएगी और उसके साथ बात करेगी। दूसरे दिन जब रानी आशा के घर के पास जाती है तो वो देखती है कि आशा पानी भर रही थी, इसलिए रानी बिना उससे आवाज़ दिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो जब उसके घर के बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि आशा का हस्बैंड उससे लड़ रहा था। वो गुस्से में खाना फेंक देता है, जिसके बाद आशा पर हाथ उठाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रानी आती है और उसे रोक लेती है और उसे धमकाती है कि अगर फिर से कभी उसने आशा पर हाथ उठाया तो वो उसे जेल में भेज देगी। अब ये सुनकर आशा का हस्बैंड डर जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रानी देखती है कि आशा के बेटे के सर में चोट लगी थी। लेकिन फिर भी आशा अपने काम पर जा रही थी, इसलिए रानी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो आशा को बता रही थी कि वो वापस उसके पास काम पर आ जाए, लेकिन आशा कहती है कि अब वो उसके पास नहीं आएगी। लेकिन रानी आशा का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाती है। वहाँ पर भी रानी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन आशा उसकी बात नहीं मानती। लेकिन जब रानी आशा के साथ आ रही थी तो वो समझ जाती है कि आशा को लेट क्यों होता होगा। सबसे पहले उसके पति के साथ डील करना, जिसके बाद बस पकड़ना। बस अगर टाइम पर मिल भी जाती है तो आगे आने के लिए ऑटो में जाना पड़ता है, जिसके बाद ऑटो को ढूंढना और फिर घर तक पहुंचना। यह सब देखकर रानी अब आशा की सिचुएशन समझने लगी थी। साथ ही रानी अब उस घर में जाती है जहाँ पर आशा काम करती थी। वो औरत आशा पर चिल्लाने लगती है कि वो लेट क्यों आई, और ये देखकर रानी उस औरत को डांटने लगती है कि वो इस तरह से आशा को ना डांटे। अब ये सुनकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और आशा को काम से निकाल देती है, जिसके बाद रानी आशा से कहती है कि वो उसके पास आ जाए। लेकिन आशा अभी भी उसके पास आने के लिए तैयार नहीं थी। अब आशा काफ़ी इमोशनल हो गई थी, जिसके बाद वो रानी को बताने लगती है कि उस दिन क्या हुआ था। एक्चुअली जब रानी ने आशा को पैसे दिए थे कि कल सुबह वो रिक्शा लेकर आ जाए, तब आशा अपने घर गई। घर जाने पर उसे पता चला कि उसका बेटा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा था, तो उसके पति ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा, जिसके बाद उसका बेटा नीचे गिर गया और उसके सर में चोट आई थी। ये देखकर आशा काफ़ी डर गई। वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन आशा के पास पैसे नहीं थे और ना ही उसके पति के पास। तभी आशा को याद आया कि कल रानी ने उसे पैसे दिए थे, इसलिए उसने वही पैसे डॉक्टर को दिए और अपने बेटे को लेकर घर आ गई। उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाई। तभी आशा को याद आया कि सुबह उसे काम पर जाना था, लेकिन जब उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल में कुछ भी रिचार्ज नहीं था। लेकिन फिर भी आशा जब आने के लिए निकली तो उसने देखा कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। ये देखकर आशा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, जिसके बाद उसे याद आया कि उसके पास एक चांदी की चीज़ थी, इसलिए उसने उस चांदी की चीज़ को एक रिक्शा वाले को दिया और उसकी मदद से वो रानी के घर तक आ गई। आशा ने ही किसी का मोबाइल लेकर वॉचमैन से कहा था कि वो रानी को इन्फॉर्म कर दे कि आशा बिल्डिंग में आ चुकी है। अब ये सब सुनने के बाद रानी को आशा के लिए काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उस दिन आशा की बात बिना सुने रानी ने उस पर इतना गुस्सा किया था। इसलिए रानी आशा से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि अब वो उसके पास आने के लिए उसे ज़बरदस्ती नहीं करेगी। अगर आशा को लगता है कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए तो ही वो उसके पास आए। ये बोलकर रानी वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन रानी का कॉम्पिटिशन था और रानी अकेले ही परफॉर्म करने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आशा आती है और वो दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद रानी वो कॉम्पिटिशन जीत जाती है। अब रानी बहुत ज़्यादा खुश थी,
जिसके बाद वो सबको बताती है कि किस तरह आशा ने उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद की। रानी कहती है कि वो दिन भर रिलैक्स होकर बाहर जाकर काम करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आशा घर के सारे काम संभाल लेगी। इसलिए अब रानी समझ चुकी थी कि जितनी आशा को उसकी जरूरत है उतनी ही रानी को भी उसकी जरूरत है। इसलिए वो आशा से माफी मांगती है और ये सब सुनकर आशा भी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्राइज में एक स्कूटी मिली थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी खुश थे, लेकिन रानी उस स्कूटी को आशा को देती है क्योंकि आशा का सपना था कि उसके पास एक स्कूटी हो। जिसके बाद आशा फिर से रानी के यहाँ काम ज्वाइन कर लेती है। अब अगले दिन जब रानी सो रही थी तो सुबह 6 बजे आशा वहां पर आ जाती है। आशा कहती है कि अब उसे बस, ऑटो ये सब पकड़ना नहीं पड़ता, इसलिए वो अब 7:30 बजे की जगह 6 बजे ही आ जाया करेगी, जिसके बाद दोनों मिलकर योगा करेंगे। अब ये सुनकर रानी काफी परेशान हो जाती है और फिर से उसकी और आशा की नोकझोंक शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नासगो गुमा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।